नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ वन प्लस नॉर्ड 2 की। दोस्तों ये एक 5G फ़ोन है वन प्लस की तरफ से और काफ़ी पुराना भी हो चुका है, बट दोस्तों अभी मेरे पास ये आया है तो मैं आपके सामने एक अनबॉक्सिंग वाली फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग काफ़ी देखी होगी, बट फिर भी दोस्तों मैं आपके लिए एक अनबॉक्सिंग लेकर आया हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो दोस्तों देखिए, ये है मेरे पास वन प्लस का बॉक्स वन प्लस नॉर्ड 2 का, और ये दोस्तों वन प्लस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वन प्लस और वन प्लस नॉट 2 5G, ये 5G फ़ोन है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सामने बात करता हूँ इसका की हाईलाइट की, जो बॉक्स पर डली हुई है। तो देखिए इसका कलर है मेरे पास ब्लू, और दोस्तों इसकी जो MRP है वैसे तो 29,990 है, 30,000 रुपये, बट ये एक्चुअल में भी कितने का मिल रहा है जी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, और फ़ोन में दोस्तों मैं क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं जिस सब मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों बॉक्स को ओपन करता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मिलता है ये फ़ोन, इसको साइड में रखता हूँ मैं। इसके अंदर दोस्तों हमें एक बॉक्स और मिलता है, तो इस बॉक्स के अंदर दोस्तों हमें क्या क्या मिलता है देखते हैं जी। देखिए जी कुछ जी है दोस्तों, एक रेड केबल क्लब का एक कार्ड, जिसमें दोस्तों आप रेड केबल क्लब का दोस्तों जो फीचर है उसमें आप ज्वाइनिंग ले सकते हो। अब इसका तो मुझे पता नहीं है क्या होता है उसमें। दोस्तों ये एक TPU कवर है ये देखिए, अभी आप फोन पर लगा कर दिखाऊँगा आपको। ये इसकी सिम इजेक्शन पिन का है, जिसमें दोस्तों सिम पिन लगा के मिलती है, सिम ट्रे वाली, वो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें अंदर डली हुई है। और दोस्तों देखिए इसके अंदर है कुछ पेपर वर्क, तो देखिए जो स्टिकर है जे, इसकी क्यू स्टार गाइड है जे भी दोस्तों, एक कोई सार वैल्यू वगैरह की गाइड है, और ये कार्ड और दिया गया है टीम के लिए। तो काफ़ी सारे पेपर मिलते हैं जिनको कोई पढ़ता तो है नहीं है, और फिर भी कंपनी दोस्तों देती है, तो उन सबको साइड में रख के मैं आपको ले चलता हूँ मेन फ़ोन की तरफ। दोस्तों ये इसकी पिन ये देखिए, और दोस्तों इसके अंदर मिलता है हमें एक रेड केबल देखिए, टाइप सी वाली और टाइप ए वाली, टाइप सी केबल है। और जी है दोस्तों इसका एक 65 वॉट वाला फास्ट चार्जर, जिसमें दोस्तों आपको 65 वॉट का सपोर्ट मिलता है, जिससे आपका फ़ोन 25 से 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है 0 से 100% तक। तो इन सबको रख के साइड में दोस्तों मैं आपको मेन फ़ोन की तरफ ले चलता हूँ देखिए। जी दोस्तों इसका मेन फ़ोन ये देखिए वन प्लस नॉट 2, जो दोस्तों मेरे पास है इसका ब्लू कलर, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसके पोर्ट्स और बटन की बात यहाँ बताता हूँ। दोस्तों देखिए इस तरफ हमें मिलता है वॉल्यूम अप डाउन बटन, और दोस्तों इस साइड में मिलता है हमें पावर के बटन, जिससे आप फ़ोन को ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों मिलता है हमें प्यारा सा एक छोटा सा बटन, जो है दोस्तों स्लाइडर वाला, जिससे आप अपने फ़ोन को वाइब्रेशन पे साइलेंट मोड पर लगा सकते हो, जो दोस्तों आपको आईफोन में मिलता है। दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है जी, आप अपने फ़ोन को ऊपर से ही साइलेंट पे वाइब्रेशन मोड पर लगा सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको इसके की अलर्ट की बात करूँ इस फ़ोन की, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें मिलती है हमें 6.43 इंच की एक फुल HD डिस्प्ले, जिसके अंदर दोस्तों आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। इसके अंदर दोस्तों आपको मिलता है डायमेंसिटी का 1200 प्रोसेसर, जो कि दोस्तों एक 5G प्रोसेसर है डायमेंसिटी की तरफ से। इसके अंदर दोस्तों है मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 8GB और 128GB वाला, और इसके अंदर दोस्तों आपको मिलती है 4500 mAh की बैटरी, जिसके साथ आपको 65 वाट का दोस्तों फास्ट चार्ज मिलता है, जो दोस्तों काफ़ी क्विक आपके फ़ोन को फास्ट चार्ज कर देता है। अब दोस्तों इसके बैक की बात करूँ मैं, तो इसके बैक में दोस्तों आपको मिलता है ग्लास, जिसमें दोस्तों आपको कोरनन गोरिल्ला काफ़ी प्रोटेक्शन मिलती है फ्रंट और बैक दोनों तरफ। ये दोस्तों फ्रेम है जी, आपको जो दिख रहा है ये वाला जी दोस्तों प्लास्टिक का है, तो यही दोस्तों इसमें थोड़ी सी दिक्कत लगती है मुझे, क्योंकि कंपनी को इसके अंदर मेटल का फ्रेम देना चाहिए था, बट इस कंपनी ने इसमें दिया है प्लास्टिक का फ्रेम। इसके पोर्ट्स और बटन की बात करूँ दोस्तों, तो नीचे दोस्तों आपको मिलता है स्पीकर, यहाँ पे दोस्तों आपको स्पीकर मिलता है, और जबकि दोस्तों ये फ़ोन डुअल
स्पीकर है इसके अंदर, तो एक स्पीकर दोस्तों आपको यहाँ मिलता है, एक यहाँ मिलता है। और दोस्तों आपको ये थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है ये वाला, तो इसके ऊपर मैंने लेमिनेट करा के रखी है, इस चक्कर में आपको ऐसा लग रहा है, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इस फ़ोन पर लेमिनेट कराई थी, तो इसलिए आपको ये थोड़ा जो पिन्नी है ये ऐसा लग रहा है कि ये इस पर स्क्रैच आ गया। दोस्तों ये स्क्रैच नहीं है, ये इसके ऊपर दोस्तों लेमिनेट किया हुआ है, चक्कर में आपको लग रहा है। यहाँ दोस्तों आपको इसके ऊपर स्पीकर मिलते हैं, ये देखिए ये स्पीकर है, ये दोस्तों इसका सी टाइप पोर्ट। यहाँ दोस्तों आपको मिलता है माइक, और ये इसको दोस्तों इसकी सिम ट्रे जिसमें आप दो सिम लगा सकते हो, और मेमोरी कार्ड का स्लॉट इसके अंदर दोस्तों आपको नहीं मिलता, तो आपको 128 GB से ही काम चलाना पड़ेगा। दोस्तों वन प्लस में आपको मेमोरी कार्ड लगाने स्लॉट नहीं मिलता, जो उसके छोटे मोटे डिवाइस हैं उनमें मिल जाता है। यहाँ है दोस्तों सेकेंडरी नॉइज़ कैंसिलेशन माइक, यहाँ दोस्तों इसका स्पीकर है, और ये दोस्तों इसका सेल्फी कैमरा जो है दोस्तों इसका 32 MP का। तो दोस्तों इसमें आपको मैं और चीज़ की और क्वालिटी बात बताऊँ, तो दोस्तों इसके अंदर आपको फ्रंट और बैक दोनों तरफ कोरन गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। इसका फ्रेम दोस्तों जो है ये वाला जो प्लास्टिक का है, डुअल सिम लगा सकते हो इसमें, बट आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। और दोस्तों इसके अंदर आपको जब जो आप फ़ोन लोगे तो जी आपको मिलेगा एंड्रॉयड 11 पर, बट आपको इसके अंदर एंड्रॉयड 12 और ऑक्सीजन OS 12.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो दोस्तों आपको तुरंत ही अपडेट मिल जाएगा इसका। इसके अंदर दोस्तों आपको माली का जीपीयू मिलता है, G77 वाला। कैमरे की बात करूँ दोस्तों तो इसके अंदर आपको 3 कैमरा शटर मिलता है, जो दोस्तों मेन कैमरा है वो 50 MP का। दूसरा कैमरा दोस्तों इसका काफ़ी छोटा है, 8 MP का। और तीसरा कैमरा दोस्तों जो है वाइड एंगल डेप्थ वाला दोस्तों वो 2 MP का। और फ्रंट कैमरा दोस्तों इसका 32 MP का। इसमें आप 4K वीडियो तक रिकॉर्ड कर सकती हो, 4K वीडियो सपोर्ट जो करता है दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों आपको OIS का सपोर्ट नहीं मिलता, इसके अंदर आपको मिलता है EIS का सपोर्ट। इसके फ्रंट दोस्तों आपको 32 MP कैमरा मिलता है, जिसमें दोस्तों आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिलता है, आप उससे भी OIS सपोर्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। साउंड की बात करिए दोस्तों तो इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं। और हाँ दोस्तों एक बात और आपको बता दूं मैं, इसके अंदर आपको 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसके अंदर या तो ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हो, ब्लूटूथ वाले स्पीकर, या फिर आपको एक अलग से कनेक्टर लेना पड़ेगा जो दोस्तों आपको इसमें लगाना पड़ेगा सी टाइप वाले पोर्ट में, तब आपका 3.5 mm जैक वाला केबल वर्क करेगा। वाईफाई दोस्तों इसका सपोर्ट है, इसके अंदर दोस्तों आपको वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिलता है, ब्लूटूथ की बात करूँ तो 5.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है। NFC दोस्तों सपोर्ट करता है ये। फिंगरप्रिंट दोस्तों इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट मिलता है, और फिंगरप्रिंट दोस्तों इसका काफ़ी क्विक है, काफ़ी फास्ट है। फेस अनलॉक इसके अंदर मिलता है, वो भी दोस्तों काफ़ी फास्ट है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। मैं इसको ऑन करके तो आपको दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी कैसी डिस्प्ले की, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, तो ये दोस्तों जो ऑन हो चुका है, अभी ऑन हो रहा है। तो इसके अंदर दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं प्राइस के हिसाब से। अगर आपको ये लेना है तो आप इसे दोस्तों अमेजन से, या फिर मैं तो ये बोलूँगा कि आप इसको वन प्लस की वेबसाइट से ले सकते हो, वहाँ दोस्तों आपको ये काफ़ी अच्छी डील में मिल जाएगा। इसकी प्राइस की बात करूँ दोस्तों तो ये मिलता है आपको 30,000 रुपये का, 8 GB और 128 GB वाला वेरियंट, बट दोस्तों 6 GB वाला भी एक वेरियंट आता है, वो कभी अवेलेबल मैंने देखा ही नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ही कर दें। दोस्तों जब ये फ़ोन ऑन हो रहा है तो देखिए दोस्तों फ़ोन ऑन हो चुका है, देखिए इसके अंदर दोस्तों आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 120Hz का नहीं मिलता, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छा फ़ोन है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना इसे, और दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलता है दोस्तों इसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।